नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसकी लेंथ वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं पहले बता देता हूँ, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप समझने की कोशिश करें। तो देखो पहले मैं बताता हूँ एल्टीट्यूड क्या होता है। मान लीजिए एक ट्रेंगल है और इसका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं वे एल्टीट्यूड, यानी अभिलंब इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब देखो जहां पे 3 एल्टीट्यूड मिलते हैं ना, एक ट्रेंगल के तीनों एल्टीट्यूड भाई तीनों साइड पे परपेंडिकुलर, तो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र। ठीक है, इसको ओ से डिनोट किया जाता है, इसको आप जिससे भी डिनोट कर, लेकिन मैं ओ बता रहा हूँ आपको कि ओ से इसको डिनोट कर देंगे, क्योंकि ऑर्थो सेंटर तो ओ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, तो जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं। अब देखना जरा यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हाइट भी हो सकती है इस ट्रेंगल की। देखो हाइट भी है भाई, एल्टीट्यूड है यानी हाइट भी तो है ना, इसकी हाइट भी है यानी ऊंचाई जिसको बोलते हैं, हाइट भी इसकी है, एल्टीट्यूड है। अब मुझे बताओ तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि इसका बेस मैंने ये लेना है तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, अगर बेस ये लेना है तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, अगर इधर वाला लेना है तो इसकी हाइट इधर वाली हो जाएगी। ठीक है, वो बेस पे डिपेंड करता है कि जो आप बेस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको हाइट लेनी पड़ेगी। अब देखना जरा इसका एरिया की मैं बात करता हूँ, 1/2 × अगर मैं बेस ए बी लेता हूँ तो बताओ ए बी के लिए हाइट कौन सी हो गई, सी एफ। सही बोल रहा हूँ, इक्वल टू ये एरिया हो गया, ये भाई इस एरिया के बराबर है ना, 1/2 × BC × हाइट कितनी हो गई, AD। भाई यही तो है ना, एरिया तो एक ही ट्रेंगल का है, सारे बराबर होंगे, तो 1/2 इधर से क्या हो गया, AC × क्या हो गया, BE। तो अब देखो तीनों इक्वल है तो 1/2, तो तीनों का कैंसिल कर दो। अब इस दोनों में देखना, इसमें और इसमें, इन दोनों में जैसे मैं देखता हूँ, तो देखो इस BC को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो बताना AB/BC जो निकल कर आया वो कितना आ गया भाई, वो आ गया AD/CF। इसको मैंने CF को उधर भेज दिया। सेम इसी तरीके से इन दोनों में करता हूँ, तो मैं कर देता हूँ BC/AC को यहाँ पे भेज देता हूँ और BE/AD को कहाँ भेज देता हूँ, इसके नीचे। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। यानी कि आपने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ से AB ratio BC ratio AC की बात करूँ, अगर मैं तीनों साइड के रेशियो की बात करूँ, तो AB और BC का रेशियो कितना है भाई, इसका है AD, रेशियो कितना लिखा हुआ भाई, CF। सही बोल रहा हूँ। अब BC और AC का कितना है, ये है BE और ये कितना है AD। अब देखो जरा BC यहाँ पे CF है, यहाँ पे BE है, इक्वल होना चाहिए रेशियो, तो इसको तो मैंने BE से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किसने कर दिया भाई, CF से। इसको भी किसने कर दिया, CF से। इसको किसने कर दिया भाई, BE से। अब देखो यहाँ से आप मुझे बताओ, AB रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, BC रेशियो AC, ये जो रेशियो आया वो कितना निकल कर आया, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आ गया AD × BE और रेशियो क्या आ गया, BE × CF और रेशियो क्या आ गया, AD × CF। अब मैंने तीनों को है ना AD BE और CF से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, AD × BE × CF से। भाई जब रेशियो में होते हैं ना, तो तीनों को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मान लो आपको मैं कहूँ कि 2:3:4, तो आप इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो तो वही रहेगा, यही किया मैंने। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, अगर डिवाइड कर दिया ना, तो जो इनकी साइड का, एक ट्रेंगल की साइड का रेशियो होता है ना, AB ratio BC ratio AC, एक ट्रेंगल की तीनों साइड का रेशियो, देखो AD BE तो कट गया, वो किसके बराबर होता है, इसकी हाइट या फिर इसके परपेंडिकुलर के अपोजिट के बराबर होता है। BE CF यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना भाई, AD बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना बच गया इसके लिए, यहाँ पे बच गया AD। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा, यहाँ पे AD रह जाएगा, और रेशियो किसके बराबर होगा, AD CF, यानी किसके बराबर आ जाएगा, BE। इस बात को भाई आप अच्छे से सीखने की कोशिश करना जो मैंने बोली है यहाँ पर, कि जो ट्रेंगल की साइड है ना, वो रेशियो किसके बराबर होता है, ट्रेंगल की साइड का, ट्रेंगल की साइड का रेशियो उसके एल्टीट्यूड के अपोजिट होता है। जैसे AB है, तो AB के लिए कौन सा, अभी यहाँ से देखो AB के लिए 1/CF है, आपने ऊपर भी देखा था कि AB के साथ में कौन सा एल्टीट्यूड है भाई, AB के साथ में एल्टीट्यूड है CF। ठीक है, BC के लिए 1/AD है, तो इसका सामने वाला वर्टेक्स है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से कोशिश करो समझने की, कि AB ratio BC ratio AC होगा 1/CF, 1/AD, 1/BE, ये रेशियो इक्वल होगा। देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा भी गया, देखो मैं अब एक एक क्वेश्चन पे आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेंगल इज 2:3:4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। तो आप मान लीजिए कि ट्रेंगल की साइड का रेशियो ABC है, ठीक है,
तो एल्टीट्यूड कितना है, 2, 3, 4 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 / 1/3 / 1/4 होगा कि नहीं होगा ट्रेंगल की साइड का। तो अब इसमें देखो 2, 3 और 4 सबका एलसीएम ले लिया भाई रेशियो में, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम 12 आ रहा है इनका, तो 12 से मैंने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताना जरा कितना बन गया, 6:4:3 क्या आ गया इस ट्रेंगल की साइड का रेशियो। अगर पूछे कि इस ट्रेंगल की साइड का रेशियो बताओ तो कितना आ जाएगा, 6:4:3 इसका आंसर होगा। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला, देखो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इनके एल्टीट्यूड का अगर रेशियो दिया है ना, तो आपको पता है साइड का रेशियो वो एल्टीट्यूड का अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब ये पलट जाते हैं, 1/2, 1/3, कैसे मैंने ये बताया अभी आपको, ठीक है, कोशिश करना समझने की। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एल्टीट्यूड इतना है, तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल इफ द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4, 5, 6 देन ट्रायंगल इज, तो बताओ वो ट्रायंगल कौन सा है, कौन से का मतलब, जैसे ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं, एक ऑब्ट्यूज होता है, राइट एंगल होता है और एक्यूट होता है, अब बताओ कि ये कौन सा है। तो अब आपको मैंने बताया था कि ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और एक्यूट का कैसे पता चलता है, उनका पता चलता है उनकी साइड के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम से छोटा होगा, बड़ा होगा, सॉरी एक एक साइड का स्क्वायर। राइट एंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक्यूट होगा ना, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटा होगा दोनों के सम से। अब देखना जरा, इसमें पहले साइड निकालनी पड़ेगी, तो मुझे एक बात बताओ साइड का रेशियो क्या आएगा, एबीसी का रेशियो, तो एबीसी का रेशियो क्या आएगा, 1/4 / 1/5 / 1/6। एलसीएम ले लो कितना है अभी, 60 है, कितना है 60 सबका एलसीएम आ गया। तो देखो जरा साइड का रेशियो कितना बन गया, 15:12:10 बोलो बना कि नहीं बना। मतलब ये कुछ भी हो, आप इस बड़े वाली साइड को देखो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ये इन दोनों का स्क्वायर के सम से, यानी 12 का 144 प्लस 100, इससे छोटा है कि बड़ा, ये बन गया 244, ये बना 225, यानी इससे छोटा है या नहीं है, बताना जरा मुझे, बोलो छोटा है कि नहीं है, यानी एक सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम से छोटा है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल की 5-6 क्लास ली, उसमें मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट समझाया है, आप अगर एक बार पढ़ लोगे ना, देखो रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप उससे फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल को एक बार पढ़ लोगे ना, तो ये मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आपको दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से मैंने बताया उसे। और हर बात में ऐसे बताता हूँ, आप एक बार देखो, सबसे पहली बार पढ़ने में जोर आता है, अच्छे से पढ़ते हो ना तो भाई उसमें तो जोर आएगा ही, लेकिन अगर आप ऐसे ट्रिक्स व्रिक्स पढ़ के और ये लोग चले गए, कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं होगा उसका, आप कभी उससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इसलिए लॉजिकली पढ़ो, सारी चीजें समझ के पढ़ो। चलो इसको देखो, देखें इफ 4, 5 and x आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, देन हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x। भाई मैंने आपको ऐसे बोला था कि एक ट्रायंगल की साइड मान लो 4-5 होती, तो आप बताओ इसमें एक अक्ष है तो उसकी रेंज क्या है, साइड से तो हम बता सकते हैं लेकिन ऐसे अल्टीट्यूड से नहीं बता सकते, तो भाई क्या करेंगे अल्टीट्यूड से, पहले साइड निकालो, तो बताओ साइड का रेशियो क्या होगा, ए बी सी अपोजिट हो जाएगा, 1/4 / 1/5 / 1/x। सही बोल रहा हूँ, सबका एलसीएम कितना हो गया अभी, 20x मल्टीप्लाई कर दो, तो साइड का रेशियो कितना बन गया, 5x / 4x / 20। अब मुझे एक बात बताना कि ये इसकी साइड हो गई ए बी सी, ठीक है, आपको इस बात का तो पता है कि इसकी ट्रेंगल की है ना, कोई भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, कोई भी दो साइड, तो मैं मान लेता हूँ सबसे बड़ी साइड यहाँ पे 5x है मान लेता हूँ, तो 5x बड़े तो 5x किससे छोटा होगा भी, प्लस 20 से, यानी कि x जो है वो किससे छोटा आएगा भी, 20 से, ये 4x उधर चला गया, तो पहला पॉइंट बना x 20 से छोटा आएगा। अब मान लीजिए हो सकता है कि ये तो सबसे बड़ी साइड हो नहीं सकती, हो सकता है 20 सबसे बड़ी हो जाए, तो 20 बड़ी हो गई, यानी इनका 4 और 5 कितना होगा, 9x से, तो 20 छोटा होना है, यानी x 20/9 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप मुझे बताओ x की जो रेंज डिफाइन हुई ना, वो कहाँ से कहाँ तक होगी भाई, तो आप क्या कहेंगे कि x की जो रेंज डिफाइन हुई है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई बताना, ये जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 × 2 = 18, 2.22, ठीक है, तो x जो है वो 2.22 से तो बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा भी, 20 से, तो आप बताना जरा x की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो ये इसकी रेंज हो गई, अब बता रहा है बोलो कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, और भाई यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना कि इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इंटीजर आप बता सकते हैं, तो 2.2 से बड़ा होगा कौन सा हो जाएगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कितना हो सकता है, 19। तो बताओ टोटल कितनी होगी, मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बताया है कि एपी होता है, तो उसमें टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1, यानी कितना आएगा, 17, इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो ये छोटा सा था कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब देखो अगर ये आप याद रखते हो तो अच्छी बात है, वरना देखना आप क्या कर सकते हो भाई। अगर आपको मान लीजिए रेंज ऑफ एल्टीट्यूड, आपने ऊपर भी यही किया कि मान लो एक ट्रेंगल आपके पास दे रखा है, इसमें ये इसके एल्टीट्यूड है एबीसी, और मैं कहूँ कि सी की रेंज बताओ, तो जो सी है ना वो बाकी दो इसके अलावा तो बस गए ना एल्टीट्यूड, ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए प्लस बी, इससे तो होगा बड़ा, और दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डिफरेंस इससे होगा छोटा। जैसे आपके पास था 4, 5 और एक्स, अब बताओ इस एक्स की रेंज कितनी है, फिर एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, और अपॉन में दोनों का डिफरेंस 9, वो सम 9, इससे तो बड़ा होगा और 20 बटा डिफरेंस 1 इससे छोटा होगा, यही तो बताया मैंने अभी, और इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर ये याद रखते हो तो। ये ऊपर वाली बातें हैं, देखो उसमें मैंने बेसिक से बताया, वही ऊपर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 20 और 2 का मल्टीप्लाई 5 और एक्स, और ये कितना हो गया अभी, ये 4x हो गया, 20 हो गया, बाकी वही चीजें, समझ रहे हैं? तो कोशिश करो इनको समझने की, ठीक है, बड़ी काम की क्लास है भाई, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसकी रेंज बताओ, तो आप एक्स की रेंज सीधा बता सकते हो, एक्स बड़ा होगा 30/11, इससे तो बड़ा होगा, और 30/(1) इससे छोटा होगा, अब आप बता दो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, समझ गए मेरी बात। अब पूछे कि एक्स की कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, तो बता दीजिए इंटीजर वैल्यू, तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। अब देखना जा और तो सेंटर इस पर देखते हैं, छोटी सी बात यहाँ भी कर लेते हैं। मान लीजिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का और तो सेंटर उसके अंदर ही बनता है, ट्रायंगल के अंदर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से, ये जैसे इस ट्रायंगल का वर्टेक्स है, इससे सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे भाई, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे सामने वाली साइड पे डालो देगा परपेंडिकुलर, आप कहाँ पे डालते हो, तो मैंने जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो भाई ये रहा, ये लो, इससे डाला तो ये रहा, मतलब दो परपेंडिकुलर जहाँ पे मिल गए, जाहिर सी बात है तीसरा यहीं से गुजरेगा, तो जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर राइट एंगल पर होता है, ठीक है, राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर राइट एंगल पर होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। मान लो ऑब्टूज एंगल है, मैं कहूँ कि बताओ इसका एल्टीट्यूड कहाँ पे है, तो आप सामने वाले साइड पे डालोगे तो ऐसे ही तो डालोगे ना इस पे, कि यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड डालना शुरू किया ये लो, लेकिन सामने तो साइड है ही नहीं, ये तो है ही नहीं भी साइड, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बढ़ा दिया, चलिए बढ़ा के देख लेते हैं भाई, एल्टीट्यूड तो डालना आपको, तो बढ़ा दिया, इसी तरीके से इसको बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, इस पे भी ऐसे डाल दिया एल्टीट्यूड, चलिए तो ये एल्टीट्यूड हो गया आपके, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो तीसरा आपको जाहिर सी बात है पता है कि तीसरा भी कहाँ से गुजरेगा, भी यहीं से गुजरेगा, तो जहाँ पे तीनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। यानी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसका ऑर्थो सेंटर ऐसे बनता है, उससे ऑब्टूज एंगल यानी जो 90 से बड़ा एंगल है ना, उसके नीचे की ओर इसका क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है, समझ गए मेरी बात है। चलिए भाई अगर छोटी छोटी सी ये बातें समझ आई है, तो अब मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन इजी इजी से पूछ लेता हूँ। मान लो एबीसी ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर साइडों पे, तो मैं आपसे पूछता हूँ एक आसान सा क्वेश्चन, आप मुझे बताना कि ट्रायंगल AFO का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है, ऑर्थो सेंटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी जो लंब केंद्र होता है AFO का कहाँ पर है, तो AFO ट्रायंगल आप देखेंगे ये रहा भाई, और ये तो AFO तो राइट एंगल है भाई, तो राइट एंगल है तो कहाँ पे हो जाएगा, राइट एंगल पे हो जाएगा, यानी कौन सा पॉइंट है भाई, F है, ठीक है। अब देखो ये F बाकी किन किन ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, एक तो भाई इसका है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका है एक भाई, इसका है इधर वाले का, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, और एक देखो ये पूरा बड़ा भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखो देखे ध्यान से, इसका भी है और इसी तरीके से ये इधर वाला भी राइट एंगल है, तो ये एफ है ना टोटल कितने ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बना है भाई, तो आप कितने का कहोगे, 4 का ऑर्थो सेंटर है, कितने का है, 4 का। इसी तरीके से सेम ये डी भी 4 का है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताओ ट्रायंगल इसका ऑर्थो सेंटर बताना भाई, एबीसी का कौन सा है, एबीसी का तो भाई ये ओ ही हो गया, अरे एबीसी का तो यही हो गया ना ओ ही, और बाकी एबीसी और कोई नहीं है, और किसी का भी ऑर्थो सेंटर नहीं है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप बताना एओसी का कौन सा ऑर्थो सेंटर है, एओसी, तो आप ट्रायंगल देखना एओसी कौन सा, ये रहा भाई एओसी, ठीक है, ये एओसी है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये एओसी है ना, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप छोटा सा पॉइंट ध्यान दो, एओसी अगर ट्रायंगल है, अगर एओसी ट्रायंगल हुआ, तो इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो भी सामने वाली साइड तो ये है, इस पर परपेंडिकुलर कहां से डालें, इसको आगे बढ़ाकर, यानी ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, और इस सी से सामने वाली साइड एओ पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो कौन सा है, ये रहा, ये रहा, मतलब दोनों कहां पे मिल रहे हैं, बी पर, यानी इसका वर्टेक्स कौन सा, जो और तो सेंटर वो कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो बी कौन से का और तो सेंटर है भाई, एओसी का और तो सेंटर है,
ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि ये किस तरीके से ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है। कहीं भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड, ये तो ईजी है। अब देखना जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल इफ एल्टीट्यूड्स आर गिवन। अगर एल्टीट्यूड दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? जैसे मान लो ये ट्रेंगल है, इसका एल्टीट्यूड ए बी सी है, तो इसका एरिया क्या होगा? देखो इसको रटना नहीं है, आप इसको मैं बताऊंगा अभी, इसका प्रूफ भी मैं फॉर्मूले का बता दूंगा। जो एरिया होता है ना वो होता है फोर अपॉन अंडर रूट ऑफ, जैसे ए बी सी इसके एल्टीट्यूड अंडर रूट ऑफ वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी, यानी तीनों के अपोजिट का सम, और इनटू वन अपॉन ए वन अपॉन बी। एक बार सी को माइनस कर दो, एक बार बी को माइनस कर दो, एक बार ए को माइनस कर दो, और तीनों को अलग अलग लिख दो, ये क्या बन जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा फोर अपॉन, ध्यान रखना फोर अपॉन, ठीक है। ये फॉर्मूले से क्वेश्चंस में एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, एग्जाम में लॉजिकली क्वेश्चन पूछते हैं। देखना मैं आपको बताता हूँ कैसे, इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक साथ मैंने बताया कि मैं सारे थ्योरम्स वगैरह का प्रूफ बताऊंगा। इफ 15 20 और 12 आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल देन फाइंड एरिया, या तो उसमें रखो आप एबीसी में, तो भाई काफी मुश्किल हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन है। लेकिन आप एक बात बताओ, पहले कम से कम इसके बारे में थोड़ा सोचो तो सही। मैं कहता हूँ कि चलो इसके साइड का रेशियो बताओ भाई, आप पहले एबीसी का रेशियो बताओ, तो क्या बताओगे? 1/15 रेशियो 1/20 रेशियो 1/12, तो सबका एलसीएम कितना होगा भाई? 60, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 60 से, ठीक है। तो बताओ एबीसी का रेशियो क्या हो गया? 4:3:5। तो अब देखो, देखें इस ट्रेंगल की साइड का रेशियो 3:4:5 बन गया, और 3:4:5 जो होता है वो किसका रेशियो होता है भाई? वो राइट एंगल का, यानी कि इसकी साइड का रेशियो कितना बनेगा? राइट एंगल ट्रेंगल। अब बताओ राइट एंगल में कौन कौन से एल्टीट्यूड होते हैं? एक तो होता है ये, और एक होता है ये, और एक होता है सामने वाले साइड पर ये। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा 12 है, कौन सा 15 और कौन सा 20 है। ध्यान रखना भाई एक छोटे से क्वेश्चन का, क्योंकि आप अलग अलग कर दोगे ना तो आंसर चेंज हो जाएगा भाई, इस बात का ध्यान रखना। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, तो बताओ ये वाली साइड बड़ी है या फिर ये? तो आप कहोगे कि ये बड़ी है, तो जो जितनी बड़ी साइड होती है ना उसका एल्टीट्यूड उतना ही छोटा होता है, मतलब सबसे बड़ी साइड पर सबसे छोटा एल्टीट्यूड होता है। तो ध्यान रखना कि जितनी साइड बड़ी है, मान लीजिए ये जैसे 11 है तो इस पे एल्टीट्यूड है, और ये मान लीजिए 8 है तो इस पे एल्टीट्यूड है, तो बताओ बड़ा एल्टीट्यूड कौन सा है? तो ये 8 वाला बड़ा है, बड़ी साइड है ना, तो वो क्या बन गया? अभी छोटा बन गया। तो एक पॉइंट का ध्यान रखना कि सबसे बड़ी साइड पे सबसे छोटा एल्टीट्यूड होता है, तो ये अगर राइट एंगल बन गया तो इसकी सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनस है, यानी इस पे सबसे छोटा एल्टीट्यूड यानी तो 12 है। अब आप इसको 15 मान लो, इसका 20 मान लो, आपको पूछा था एरिया कितना है, राइट एंगल का एरिया तो पता ही है, 1/2 × 15 × 20 यानी कितना बन जाएगा भाई? 150 इसका एरिया आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ, बस आपको इससे ट्रायंगल को इतना देखना था, एक तो आप उतना लिखते जो मैंने फॉर्मूला बताया, या फिर आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचते ना तो इस तरीके से आप बता सकते थे। अब मान लो इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ ले कि अगर इस तरीके से एल्टीट्यूड है तो आप इस ट्रायंगल का एरिया नहीं बल्कि इस ट्रायंगल की साइड बताओ कितनी है, तो आप क्या कहोगे? एक तो 15 हो गई, एक 20 हो गई, राइट एंगल हो गया, तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 20, और ये कितना हो गया अभी? 25, यानी ये कितना हो जाएगा? 25, सही बोलने लग रहा हूँ, मतलब ये कितना हो गया? 25, तो आपकी साइड भी बता सकते हो, 15, 20, 25 हो गई, ठीक है। इतना ही जीता, बस थोड़ा सा समझना था आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 2, 3, 4 आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल देन फाइंड एरिया। तो भाई इसमें पहले तो ऐसे देख लेते हैं कि साइड का रेशियो, अगर राइट एंगल बन रहा है ना तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो देख लेते हैं, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा इतना हमें नहीं पता है। 4 तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 से, क्योंकि एलसीएम 12 है, तो 6:4:3 भाई राइट एंगल नहीं है, करना पड़ेगा सोल्व, एरिया निकालना पड़ेगा उसी तरीके से, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना 4/3 को अपोजिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, और वैसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछता। देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो लॉजिकली हो, जो देखते मतलब टूट जाए, ठीक है, और वो जिस तरीके से अभी राइट एंगल वाला था वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कह रहा कि 12, 20 और 15 आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल देन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अरे वही क्वेश्चन आ गया, तो 12, 20 और 15 वही तो है ना, 12, 20 और 15, तो ये तो वही राइट एंगल हो गया, कितनी साइड होगी? 15, 20 और 25, ठीक है, तो ये ही जीता। तो भाई ये आज की क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा एल्टीट्यूड पर, और ये आप इसको समझने की कोशिश करें पूरी क्लास को, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।